हर हर महादेव। हाउ टू रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा। अगर आपको भी कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है कि यमुनोत्री भी फुल हो चुके हैं, केदारनाथ भी फुल हो गया है, और जब आप यहाँ बैक आएंगे तो बैक भी आपको देखिए केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम भी फुल दिखाई देगा। अब इस सिचुएशन में आप किस तरह अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेट इस वेबसाइट को खोला है और अब यमुनोत्री धाम तो बिल्कुल देखिए फुल चल रहा है। यहाँ लास्ट कम से कम 29 की बात ही आपको यहाँ डेट मिलने वाली है। बीच में एक दो स्लॉट अवेलेबल हैं, लेकिन हो सकता है जब मैं वीडियो अपलोड करूँ ये भी फुल हो जाए। तो काफ़ी लोगों का यही प्रॉब्लम आने वाला है कि भाई अब जब स्लॉट फुल हो गए हैं तो किस तरह हम अपना स्लॉट यहाँ से बुक करें ताकि हम अपनी यात्रा कर सकें। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी का सलूशन देने वाला हूँ। अब आप में से हर कोई बहुत ही आराम से किसी भी धाम जा सकता है, वो भी विद प्रूफ के साथ, यानी आपके पास रजिस्ट्रेशन का प्रूफ होगा। तो किस तरह आप अपना ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यही जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इस समय यमुनोत्री धाम का स्लॉट नहीं मिल रहा है, बाकी धाम यहाँ देखिए अवेलेबल है और कहीं कहीं केदारनाथ धाम भी यहाँ फुल हो चुके हैं। तो ये सिचुएशन बहुत से लोगों के साथ है। मेरे पास काफ़ी कॉल आ चुकी है, वो मुझसे बोल रहे हैं कि सर आप जितना चाहे पैसा लीजिए लेकिन हमारा पंजीकरण कर दीजिए, लेकिन जब यहाँ ऑनलाइन अवेलेबल ही नहीं तो मैं भी कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अब न्यूज़पेपर में एक ऐसा अपडेट आया है जो आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए, आप सभी को वो न्यूज़ देखनी चाहिए। और उस न्यूज़ को वेरीफाई करने के लिए स्पेशल मैंने एक कॉल किया है जो जिसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। तो पहले हम देखिए न्यूज़ देख रहे थे, उसके बाद हम अपनी उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनेंगे जिसमें उन्होंने खुद बोला है कि आप अपनी यात्रा पर आ सकते हैं और आपका पंजीकरण हम करके देंगे। तो पहले हम न्यूज़ देखते हैं। ये जो देखिए न्यूज़ आई है, ये आई है अमर उजाला के न्यूज़पेपर में, होटल की बुकिंग दिखाओ पंजीकरण की होगी सुविधा। आपने ये टाइटल पढ़ लिया, लेकिन इस न्यूज़ के बाद मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए। पहले हम इस न्यूज़ को देखेंगे, उसके बाद मैं आपको एक वो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जिससे मैंने इनके कस्टमर केयर से बात की है। तो यहाँ मैं आपको न्यूज़ पढ़ के बता देता हूँ। यात्रा मार्गों में प्री बुकिंग करने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। चारधाम यात्रा पर आने वाले जिन श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्गों पर स्थित होटल, होम स्टे या गेस्ट हाउस में प्री बुकिंग की है, प्री बुकिंग यानी अगर आपने पहले से बुकिंग कर रखी है तो उन्हें टोल फ्री नंबर पर पंजीकरण करने की सुविधा दी जाएगी। टोल फ्री नंबर भी मैं आपको बताऊँगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए कई श्रद्धालुओं ने पहले से ही होटलों में बुकिंग कर ली है, लेकिन उनका चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने होटल, होमस्टे और गेस्ट हाउस बुक करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए पंजीकरण की विशेष सुविधा शुरू की है। इसके लिए एक कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। यात्री टोल फ्री नंबर 1364 या 0135 या 1364 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। ये सुविधा उत्तराखंड के उन होटलों स्वामियों को भी उपलब्ध कराई जा रही है जिनके ग्राहकों को पंजीकरण नहीं मिल पाया है। ये टोल फ्री नंबरों पर कॉल कर यात्रियों का पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद जो होटल वाले हैं उनको होटल बुकिंग की डिटेल इस ईमेल आईडी पे भेजनी होगी। तो देखिए इन्होंने ये न्यूज़ तो दे दी है और ये नंबर भी दे दिया है। तो फिलहाल हम इनकी वेबसाइट पे ही चलते हैं। यहाँ देखिए मैंने वो वेबसाइट खोली जिसके माध्यम से आप पंजीकरण करते हैं। तो अभी तो देखिए जितने भी स्लॉट अवेलेबल हैं, चाहे वो आपका गंगोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, वो आप पहले ऑनलाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई स्लॉट नहीं मिलता है तो उस सिचुएशन में ये देखिए ये नंबर है 1364। हो सकता है काफ़ी लोगों का ये नंबर नहीं लगे तो वो इस वाले नंबर को लगा सकते हैं 0135352010। इस नंबर पे कॉल करके आपको उनको बताना होगा कि भाई हमको इस तारीख पे यात्रा करनी है लेकिन ऑनलाइन स्लॉट अवेलेबल नहीं है और हमने अपनी होटल की बुकिंग कर रखी है। तो उसके बाद फिर ये आपसे आपके डॉक्यूमेंट, एक ईमेल आईडी मांगेंगे, ईमेल आईडी ये आपको देंगे और आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि आपने कितने लोगों के लिए रूम बुक कर रखा है। उन सभी लोगों का आपको आधार कार्ड भेजना होगा, फ़ोटो भेजना होगा, सबके मोबाइल नंबर और इमरजेंसी नंबर, साथ ही साथ जो आपने बुकिंग की है उसकी स्लिप भी आपको उन्हें भेजनी होगी। तो चलिए मैं आपको अब वो रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ
जो कि मैंने इसी नंबर पर कॉल करके इनसे बात की है, ताकि आपको भी पता चल सके कि मैंने उनसे क्या बात की है। हेलो टूरिज्म, प्रेस 1 फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रेस 2 फॉर क्वेरीज, प्रेस 3 फॉर कंप्लेंट्स। नमस्कार उत्तराखंड टूरिज्म, आपका स्वागत है। मैं सुलेखा जी, किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मैम मुझे एक जानकारी चाहिए। अभी मुझे 10 तारीख में यमुनोत्री आना है, लेकिन उसके स्लॉट फुल है। लेकिन अभी मैंने अखबार में एक न्यूज देखी जिसमें लिखा कि होटल की बुकिंग दिखाएं और उसके बाद पंजीकरण हो जाएगा, तो क्या ऐसा हो पाएगा? अगर मैं वहाँ बरकोट कोई रूम बुक कर लेता हूँ, उसके बाद क्या पंजीकरण हो जाएगा मेरा यमुनोत्री धाम के लिए? सर, आपका पहले से हो रखा है होटल बुकिंग, अगर पहले से हो रखा है तब हो पाएगा सर। अगर मैं आप करूँ? देखिए, अगर पहले का है तब तो आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। नहीं मैम, वो तो बुकिंग तो हम कभी भी कर सकते हैं ना। अगर मान लिया मैं 10 दिन पहले जाऊंगा तो होटल की बुकिंग तो डेट तो वही रहेगी ना मेरी। अगर मान लिया 10 को वहाँ पहुँचूंगा मैं, तो बुकिंग का टाइम तो वही रहेगा ना मेरा। तो देखिए, हर चीज डिपेंड करती है। आप बोल रहे स्लॉट अवेलेबल नहीं, अगर मैं होटल, हो सकता है उस डेट में आपको होटल भी ना मिले, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर। अगर मैंने पहले से किया है तब तो आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जैसे आप बता रहे हैं कि आपका, अगर आपके होटल बुकिंग नहीं है सर, और तो आप एक काम कीजिए, आप दूसरी डेट में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए सर। लास्ट मई तक, 25 मई के बाद आई थिंक शो कर रहा है वो ना यमुनोत्री धाम, बाकी तो अवेलेबल है। हाँ जी, 25 मई के बाद शो कर रहा है। 20-25 के बाद तो है, मतलब 20 तक तो पूरा फुल हो रखा है। और मुझको जाना है 10 मई को जाना है मुझे ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर मान लिया मैं किसी भी होटल में वहाँ बरकोट हो गया, ये जानकी चट्टी हो गया, मैं रूम बुक कर लेता हूँ, उसकी स्लिप दिखा के क्या मेरा पंजीकरण हो सकता है या नहीं हो सकता? और वो कैसे होगा, वो आप लोग करेंगे? क्योंकि ऑनलाइन तो सुविधा नहीं है वो, क्योंकि अखबार में ऑलरेडी न्यूज आ रखा है अमर उजाला में। सर आप लाइन पर रहिए। जी सर, लाइन पर आने के लिए धन्यवाद। देखिए सर, अगर आपने पहले से होटल बुकिंग की होती तो आपका रजिस्ट्रेशन कर लेते। अगर आपने होटल बुकिंग नहीं की है और आप बोल रहे अगर हम करेंगे, तो आप एक काम कीजिए सर, डेट को आप आगे कर लीजिए। तो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा ना मेरा तो। सर देखिए, आप डेट चेंज कर सकते हैं। अगर आपने और कोई धाम के रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं तो आप डेट चेंज कर लीजिए सर, डेट चेंज हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। बाकी 3 धाम भी तो हो जाएंगे ना चेंज। अगर मैं आ रहा हूँ फिर तो मैं उस 3 धाम की भी आगे डेट करनी पड़ेगी ना मुझे, पूरा शेड्यूल ही चेंज हो गया ना यात्रा का मेरा फिर तो। ओके ठीक है सर, तो ठीक है, आप होटल बुकिंग कर लीजिए और आप ईमेल कर दीजिएगा। ईमेल आईडी मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। हाँ जी बोलिए। ठीक है ठीक है, इस पे क्या ईमेल करना है मुझे? फिलिप बुकिंग होगी। अपनी सारी डिटेल सेंड करनी है, होटल बुकिंग की डिटेल सेंड करनी है। ठीक है, और आप कितने पैसेंजर है, कहाँ से हैं, फोन नंबर, आपका नाम, सब उसमें सारी डिटेल सेंड करनी है आपको। ठीक है ठीक है, आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं उन सबकी डिटेल सेंड करनी है। ठीक है ठीक है, उसके बाद फिर आप हमको करके दे देंगे पंजीकरण। हाँ जी, एमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखिएगा उसमें कि आपके साथ जो ट्रैवल नहीं कर रहा है, जो घर पर रहेगा, उनका नाम, नंबर, आपसे रिलेशन क्या है, सब लिखिएगा। ओके थैंक यू, सारी डिटेल दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है थैंक यू सर। जी, और धाम के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, यमुनोत्री का हो जाएगा। ठीक है ओके थैंक यू सर। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? हरिद्वार से। देखिए रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुना दी है। मैंने उनसे बोला भाई मुझे 10 मई में वहाँ जाना है यमुनोत्री धाम, लेकिन स्लॉट अवेलेबल नहीं है, क्या मैं होटल की बुकिंग कर लूं तो क्या मेरा स्लॉट वहाँ आप मुझे बना के देंगे? तो उन्होंने जो जो बातें बोली वो आपके सामने मैंने आपको बता दी है। पहले तो उन्होंने मुझे मना किया, लेकिन फिर उन्होंने मुझे होल्ड पे रख के अपने सीनियर से बात की होगी। उसके बाद फिर मैंने उन्हें बताया कि भाई अगर आपके अनुसार मैं अपनी यात्रा की डेट चेंज करता हूँ तो फिर तो मेरा पूरा जो प्रोग्राम का शेड्यूल है वो बिगड़ जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप रूम की बुकिंग कर लीजिए, उसकी डिटेल हमें भेजिए, और एक ईमेल आईडी उन्होंने मुझे बताई जो कि मैंने आपको रिकॉर्डिंग में नहीं सुनाई है। उस ईमेल आईडी पे उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए बोला है। ये केवल कॉल मैंने ये वेरीफाई करने के लिए किया था कि जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है क्या वो न्यूज़ सही है या नहीं है, तो ये वेरीफाई हो गया है। जो न्यूज़ मैंने आपको दिखाई है वो बिल्कुल वेरीफाइड न्यूज़ है। अगर आपका मान लिया यमुनोत्री धाम में कोई स्लॉट नहीं मिल रहा है, किसी भी धाम में स्लॉट नहीं मिल रहा है, आपके वहाँ की बुकिंग कर लीजिए, रूम की बुकिंग कर लीजिए, और उसके बाद इनसे बात करिए। नंबर मैंने आपको बता ही दिए हैं, ये आपकी सपोर्ट करेंगे और आपको आपका पंजीकरण करके देंगे। यानी कोई भी अब बहुत आराम से अपनी चार धाम की यात्रा पर आ सकता है। बाकी अगर आपको यात्रा से जुड़े किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
आपकी यात्रा से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए। बाकी बहुत सारी वीडियो देखे मैंने यात्रा से जुड़े, अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। और अगर आपको रूम की बुकिंग करनी है यमुनोत्री धाम में तो उसके लिए भी देखिए मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट है yatraakan.in। आपको यहाँ ना यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्राइस लिस्ट, और यहाँ आपको एक कैटेगरी दिखाई देगी रूम बुकिंग, आपको यहाँ क्लिक करना है। अगर आपको मान लिया यमुनोत्री धाम में रूम बुक करना है तो यमुनोत्री धाम के लिए देखिए मैंने यहाँ एक लिंक लगा रखा है। GMA तो देखिए फुल हो चुके होंगे, आपको अब वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके बाद फिर आप मेरी इस वाली पोस्ट को पढ़िए जिसपे लिखा है चार धाम यात्रा रूम बुकिंग ऑल लिस्ट। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए पूरी ये पोस्ट ओपन हो जाएगी। इस पोस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ मैंने एक तो GMA की लिंक लगा रखे हैं और ये मैंने अलग से एक जानकी चट्टी का लिंक लगा रखा है, इस पर क्लिक करके आप अपनी रूम की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी भी धाम में अगर आपको रूम बुकिंग करनी है तो सारे के सारे लिंक आपको मेरी इसी पोस्ट में मिल जाएंगे, और इसी पोस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और रूम की बुकिंग करने के बाद आप किसी भी धाम में बहुत आराम से जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।